नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे। आज हम आपको दिखा रहे हैं विप्रोमैटिक स्टार्टर LRS के बारे में। विप्रोमैटिक इसको बोलते हैं, LRS कहलाता है, लिक्विड रोटर रेजिस्टेंस का। ये VLRS कहलाता है, विप्रोमैटिक स्टार्टर इसको बोला जाता है, VLRS। इसको देखिए, इसमें आपको हम बताने जा रहे हैं, इसमें टोटल 5 कॉन्टैक्टर का यूज़ किया गया है। इनमें से बड़ा कॉन्टैक्टर जो होता है AF1350 कहलाता है। ये देखिए AF1350 है, 1350 है। इसका करंट है 1350 एम्पियर, 1000 वोल्ट पे काम करता है। इसका आपको पूरा नेम प्लेट आपको दिखाते हैं, देखिए। ये हमारा LRS है, इसमें केबल है, 4 केबलें कनेक्ट हैं, 4 केबल यानी 3 कोर की 4 केबल, यानी 4 × 12 12 कोर है ना, इसमें कनेक्ट है 4 × 12 3 कोर यानी कि 12। ये देखिए स्टार्टर हमारा, ये मेन स्टार्टर हो गया। AF1350 है, 1350 एम्पियर का है, 1000 वोल्ट का है। इन मिनिमम मैक्सिमम इसका 2000 एम्पियर है। करंट इसका शॉर्टिंग करंट 42 है 480 वोल्ट पे, और इसका मैक्सिमम करंट 2000 है। और इसका फ्यूज क्लास है 1600L है, और इसका शॉर्टिंग करंट है 85 एम्पियर, और वोल्टेज है इसका 600 वोल्ट है। ये हमारा कहलाता है। इसमें देखिए जनरल और मैक्सिमम डे रहता है इसमें फॉर फ्यूज एवन यूज। जब हम लोग इसमें मैक्सिमम करंट 1350 एम्पियर यूज करते हैं तो ये बस बार से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। किससे? डायरेक्ट बस बार से कनेक्ट होता है। और हम 1050 एम्पियर यूज करते हैं 1000 वोल्ट पे तो ये केवल केबल से कनेक्ट होता है। ये जनरल फॉल्ट के लिए, जनरल यूज़ के लिए बता रहा हूँ मैं। जनरल यूज में जैसे कि हमारा जो मोटर से हमारा ये कनेक्ट होता है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसका पहला हो गया जैसे मैक्सिमम में 1350 एम्पियर, 1000 वोल्ट AC जब बस बार से कनेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद 1050 एम्पियर, 1000 वोल्ट और केबल के साथ जब कनेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद मैक्सिमम में 1050 एम्पियर, 600 वोल्ट DC जब केबल कनेक्ट विथ 3 पोल इन सीरीज में, जब 3 पोल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब हम लोग इसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है मैं जो दूसरे कॉन्टैक्टर हमारा AF650S30 का है, ये 700 एम्पियर का करंट एम्पियर लेता है और 1000 वोल्ट पे काम करता है। देखिए इसका भी नेम प्लेट देख लीजिए, ये आइए मिनिमम वाला, देखिए इसका मिनिमम 800 एम्पियर, AF580-30। ये इसका कॉन्टैक्टर का नेम हो गया, कॉन्टैक्टर का टाइप मतलब किस टाइप का कॉन्टैक्टर है इसका, वो हो गया टाइप। ये 800 एम्पियर का, 1000 वोल्ट का होता है। इसमें किलोवाट 160, 315 है ना, ये किलोवाट 160, 500 किलोवाट होता है, मतलब 355 किलोवाट तक। करंट इसका 250 एम्पियर, 580। इसका नेम प्लेट देख लीजिए, नेम प्लेट के माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगी। ये हमारा 4850 किलोवाट का LRS है, VLRS कहलाता है। ये VLRS कहलाता है, विप्रोमैटिक लिक्विड रोटर स्टार्टर कहलाता है। विप्रोमैटिक लिक्विड रोटर स्टार्टर कहलाता है, इसे बोलते हैं VLRS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VLRS। देखिए हम आपको प्रैक्टिकली LRS का दिखा रहे हैं सिस्टम की, कैसा LRS लगा होता है, कैसे इसमें काम करता है। ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर होता है, ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर होता है। मेन कॉन्टैक्टर के बाद पहले हमारा ये मेन कॉन्टैक्टर लगता है, इसके बाद हमारा ये धीरे 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 जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस मतलब धीरे धीरे मोटर चलती है, स्टार्ट होती है, उसके बाद स्टार्टिंग टॉर्क होता है और अपना धीरे धीरे वो कम होता जाता है और फिर वो मैक्सिमम लग जाता है, मिनिमम लग जाता है ना। तो ये हमारा कहलाता है लिक्विड रोटर रजिस्टार्टर, LRS। धन्यवाद।